सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि PFMS पोर्टल के ऊपर वेंडर बनाने की प्रक्रिया क्या है। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 16 अक्टूबर 2023 का पत्र, जो राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा प्रेषित किया गया था। पत्र का विषय था निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित पर आधारित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में। इसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से लिखा था कि ब्लॉक स्तर पर जो प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र या संदर्भदाता जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उसके उपरांत अनुषांगिक व्यय अर्थात जलपान लंच हेतु 170 रुपया प्रति दिवस की दर से दे होगा और यह धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा बैचवार प्रशिक्षण समाप्ति के 2 दिवस के अंदर शिक्षकों के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इस धनराशि को शिक्षकों के खाते में अंतरित करने की प्रक्रिया तभी संपादित हो पाएगी जब आप शिक्षक को वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे अब आगे कि किस प्रकार से वेंडर के रूप में हम अपने शिक्षक को या फिर किसी भी दुकानदार को वेंडर के रूप में किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं। साथियों, मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथियों, PFMS पोर्टल पर वेंडर का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 यूज़र ID हमारे विद्यालय को प्राप्त हैं। पहली ID हमारी एजेंसी एडमिन के रूप में विद्यालय के प्रधान अध्यापक को प्राप्त है, दूसरी ID डाटा ऑपरेटर और तीसरी ID डाटा अप्रूवर के रूप में प्राप्त है। तो हमें डाटा ऑपरेटर की ID से PFMS पोर्टल पर लॉगिन करना है। इसके लिए आप अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र में PFMS लिख करके जैसे सर्च करते हैं और पहले ही विकल्प के ऊपर जो आपको एक लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पर जा करके आप यहां पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने ये एक लॉगिन करने के लिए एक पेज खुलेगा। इसमें आप जो डाटा ऑपरेटर का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के उपरांत ये वाला पेज आपको दिखाई देगा। इसमें आप देख रहे हैं कि कई सारे लिंक आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें मास्टर का जो लिंक है, जहाँ पर मास्टर लिखा है, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। मास्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद साथियों हमारी 4 टैब खुल के आती हैं। तो उसमें हमें वेंडर जो लिखा है 3rd नंबर पर, वेंडर पर क्लिक करते हैं। वेंडर पर क्लिक करने के बाद हमारी जो टैब खुल के आती हैं 5 टैब, और उसमें से ऐड न्यू का जो विकल्प हमें दिखाई देता है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के उपरांत हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा और जिसके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हमें टीचर की या जिस भी व्यक्ति को हम वेंडर बनाने जा रहे हैं उसकी व्यक्तिगत जानकारी डिटेल उसमें डालनी होगी और नीचे वाले कॉलम में उसके बैंक से संबंधित जानकारी हमें इसमें डालनी होगी। साथियों, सबसे पहला कॉलम आता है वेंडर टाइप। वेंडर टाइप में आप इसमें से कई सारे विकल्प आपको दिखाई देंगे जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको वेंडर बनाने के लिए इसमें पर्सनल को चूज करना है। 2nd नंबर पर पैन नंबर आप उस व्यक्ति का डाल दें जिसको आप वेंडर बनाने जा रहे हैं। अगर पैन नंबर नहीं है तो साथियों इसमें नीचे जो टिक ये गोला बना है, गोले के ऊपर यहाँ पर आप इसमें टिक कर देंगे तो ये नॉट रिक्वायर्ड के रूप में आप इसको फिर ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पैन कार्ड डालें, लेकिन हमारे टीचर्स के पास सभी के पैन कार्ड हैं तो पैन नंबर डालें। इसमें 3 हमारे पहली जो जानकारी है वेंडर टाइप, ये हमें सेलेक्ट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, और पैन नंबर ये भी मैंडेटरी के रूप में दिया गया है। 3rd नंबर पर वेंडर जिस व्यक्ति को बना रहे हैं उसका नाम, तो 3 जानकारी मैंडेटरी हैं। बाकी आप इसमें आगे की जानकारी डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार नंबर हो गया, GST नंबर हो गया, एड्रेस हो गया और फ़ोन नंबर हो गया। तो फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दें, अगर फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका मैसेज हमें प्राप्त नहीं होगा। ये जानकारी डालने के बाद नीचे वाले पार्ट में आप बैंक की जानकारी अब हमें वेंडर की डालनी है। तो साथियों इसमें यहाँ पर लिखा है बैंक नाम, बैंक नाम के ऊपर हमें जिस भी बैंक का अकाउंट है वेंडर बनने वाले व्यक्ति का, इसमें 4 लेटर हमें टाइप करने हैं। 4 लेटर टाइप करते ही उस बैंक से संबंधित, उस नाम से संबंधित जितने भी बैंक हैं हमारे ओपन हो जाते हैं और उसमें से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर बैंक का नाम हो गया, नीचे वाले कॉलम में अकाउंट नंबर है तो यहाँ पर आप
उस जो वेंडर बन रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे और नीचे की तरफ जा कर के सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो जानकारी है आपकी सेव हो जाएगी और उस व्यक्ति को वेंडर के रूप में आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है सेव के बाद, तो साथियों वेंडर बनने वाले व्यक्ति को एक यूनिक आईडी प्राप्त होगी। वो यूनिक आईडी आप देख करके नोट कर लें और वो अपने यूनिक आईडी के द्वारा ही जो पैसा है राज्य जिला परियोजना कार्यालय से संबंधित वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।